10-15-20 साल पहले बात करें तो लोग जो है एक नेचुरल सोर्स का पानी पिया करते थे, एक बहता हुआ पानी हम पीते हैं, पियत पीते थे उस टाइम पे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, हम जो पानी पी रहे हैं वो स्टोर है। पानी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको देख के आप बता नहीं सकते कि वो कितने दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है या 2 महीने पुराना है। ये अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में जा रही है, बट लोगों को अवेयर इस चीज़ से होने की ज़रूरत है कि क्या वो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन के खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। पानी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना करना ही नामुमकिन है। तो क्या आप सही पानी पी रहे हैं, सही पानी चुन रहे हैं? जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपके हेल्दी डाइट को लेकर, खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्कशन मिल जाता है, लेकिन शायद पानी पर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर आपसे सजेस्ट कर रहा हो या कोई आपको ये कह रहा हो कि पानी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं भी मानती हूँ, ये आप सब मानते होंगे, और इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं और जी चौहान जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी, सही पानी का चुनाव कितना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पॉल्यूशन की हम बात कर लें या किसी बीमारी की हम बात कर लें तो शायद वो कंट्रोल में नहीं है। पॉल्यूशन हम एक इंसान इंडिविजुअली कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आपका घर का पानी आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं और सही चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 75% पानी से ही बनी है, तो पानी जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सही पानी का चुनाव कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भोपाल रावत जी मैं आपसे जानना चाहूँ। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का। और काफ़ी टाइम से हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि कोई ना कोई हमें माध्यम मिले कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाएँ। तो पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया का, वर्ल्ड न्यूज़ इंडिया का। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपने बताई दिया कि 75% के आसपास हमारी बॉडी के अंदर पानी है, बट आज क्यों इतना ज़रूरी हो गया इस सब्जेक्ट पे बात करना? देखिए, आज से अगर हम 25-30 साल पहले की बात करें तो कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे पास पानी के कुछ यंत्र या कोई मशीनें हमारे घर पर लगेगी। जहाँ हमें पानी साफ मिलता था हम उसे पी लिया करते थे, उसे यूज़ कर लिया करते थे, चाहे वो कोई हैंडपम्प हो, कहीं नल हो, कहीं प्याऊ हो, जहाँ साफ पानी दिखा हम उसे पीना शुरू कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे शहरों में आबादी बढ़ती गई और प्रदूषण इतना हो गया है, केमिकल इतना यूज होने लग गया है कि हर चीज़ दूषित हो गई है, इसी तरह से पानी भी दूषित हो गया। और धीरे 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 उस पानी की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो जैसे आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उस टाइम पे एक नई टेक्नोलॉजी आई। धीरे धीरे लोगों ने फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ, प्यूरीफायर, इन सब चीज़ें की मार्केट में ज़रूरत पड़ने लग गई और ये चीज़ें आने लग गई। तो धीरे धीरे आज हम साफ पानी पीने लग गए उन सभी माध्यम से, उन सभी इक्विपमेंट से जो हमारे घरों पर लगा भी है, चाहे वो आरओ हो, प्यूरीफायर हो, फिल्टर हो। तो आज हम साफ पानी तो पी रहे हैं, बट वो पानी क्या सही है या नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा एक सोचनीय विषय है ये कि जो पानी हम पी रहे हैं आज, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से भी हम बीमार हो रहे हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पानी भी ठीक ना हो। तो उसी के बीच में हम कुछ चर्चा यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये पानी के ऊपर थोड़ा सा हमारी अपनी एक जानकारी थी। जी बिल्कुल जी चौहान साहब, जैसे कि अभी जिक्र किया भोपाल रावत जी ने कि पहले हैंडपम्प से, प्याऊ से पानी पी लिया जाता था, लेकिन तब भी शायद पानी की वजह से कि हम गंभीर बीमार हो रहे हैं ये कभी डिटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब से हम आरओ की तरफ बढ़े हैं, फिर उसके बाद पैक्ड वाटर की तरफ बढ़े, मिनरल वाटर की तरफ बढ़े, और अब तो अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम इस ओर बढ़ते गए? देखिए काजल मैम, आज से करीबन 10-15-20 साल पहले बात करें तो लोग जो है एक नेचुरल सोर्स का पानी पिया करते थे, एक बहता हुआ पानी हम पीते हैं, पियत पीते थे उस टाइम पे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, हम जो पानी पी रहे हैं वो स्टोर है, हमने उसको रोका हुआ है, चाहे वो हमारे आरओ के अंदर, चाहे हमारे टैंक के अंदर, चाहे किसी डैम के अंदर।
और पानी को जब हम रोक देते हैं तो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जिसको हम स्प्रिंग वाटर बोलते हैं, तो जो प्रॉपर्टी उस स्प्रिंग वाटर की होती है उस स्टोर वाटर की नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में पानी को स्टोर करना हमारी मजबूरी भी बन गया है। मजबूरी इसलिए कि पानी का TDS लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे घरों पर RO भी लगे हुए हैं, तो पानी को स्टोर करना हमारी मजबूरी है। अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि स्प्रिंग वाटर हम पी पाएँ या उस पानी को यहाँ तक लेकर आ पाएँ, तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही लोग आज की डेट में अल्कलाइन पानी की या ब्लैक वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो अल्कलाइन पानी के बारे में लोग अवेयर तो हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी चीज के अगर बेनिफिट्स है तो डिसएडवांटेजेस भी है, तो अल्कलाइन वाटर का जिक्र करने से पहले, क्योंकि आजकल हमारे सबके घरों में RO का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, तो RO और जो पैक्ड मिनरल वाटर है उसमें क्या डिफरेंस है? RO और पैक्ड मिनरल वाटर की अगर हम बात करें तो पैक्ड का मतलब स्टोर है, स्टोर ही किया हुआ उसको। अब कितने दुकानों पे हमें आसानी से मिल जाता है। अब है क्या कि स्टोर अगर किया हुआ है तो ये आपको हमें ये नहीं पता लगता कि वो कितने टाइम से स्टोर है, वो 2 दिन पुराना है, वो 2 महीने पुराना है या वो 10 महीने पुराना हो चुका है। पानी को हम देख के नहीं बता सकते। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम रोक देते हैं तो उसकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो मर जाती है। लेकिन पानी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसको देख के आप बता नहीं सकते कि वो कितने दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है या 2 महीने पुराना है। सो ये पानी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ टेस्टिंग फॉर्मूला है आपके पास कि आप एक RO वाटर को और एक पैक्ड वाटर को बता सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा सही है, कौन सा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है? हम तो देखिए काजल जी, जिस पानी की हम बात करते हैं, हम पानी के उसी फॉर्म की बात करते हैं जो नेचुरली बहता हुआ पानी है। सो आज जो पानी हम आपके सामने रखेंगे वो भी एक नेचुरली बहता हुआ पानी का ही फॉर्म है, लेकिन है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसको कि आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर कैंगन वाटर के नाम से जाना जा रहा है। सो क्या पैक्ड वाटर में और क्या उस कैंगन वाटर में फ़र्क है, वो भी एक डेमो के जरिए आज हम आपको दिखाएंगे, तो आप फिर देख के समझ पाएंगे कि यस किस पानी की हम बात कर रहे हैं। तो गोपाल रावत जी, और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब वो टेस्टिंग शुरू होने जा रही है जिससे हम समझ पाएंगे कि RO के पानी में और जो पैक्ड वाटर है इसमें क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम अल्कलाइन वाटर और ब्लैक वाटर जिसे कहा जाता है उसे भी समझेंगे। एक चीज़ मैं दर्शकों को और बता दूं, जिस पानी की हम बात कर रहे हैं ये RO वाटर नहीं है, ये आयोनाइज वाटर है। आयोनाइजर के थ्रू ये पानी निकला हुआ है, तो RO और आयोनाइजर में दोनों में भी बहुत फर्क है और जमीन आसमान का फर्क है, ये भी समझना चाहिए। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है, RO का काम अलग है, वाटर आयोनाइजर का काम अलग है। अब हम बात जो कर रहे हैं वो पानी आयोनाइज वाटर है, जिस कैंगन वाटर की जिस सर ने बात करी थी वो आयोनाइज वाटर है। तो आयोनाइज वाटर क्या है और RO या जो पैकेज वाटर हम पी रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसमें फ़र्क क्या है, वो हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट है जिसके जरिए हम पानी के बारे में बता सकते हैं कि हाँ पानी में क्या क्या चीज़ें अलग हैं, क्योंकि पानी देखने से हम बता नहीं सकते कि पानी कौन सा ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा पैकेजिंग वाटर है, कौन सा टैप वाटर है, कौन सा RO वाटर है, कौन सा आयोनाइज वाटर है। बट ये कुछ इक्विपमेंट है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि पानी में फ़र्क क्या है। तो सर प्लीज़। सो ये आप देखिए काजल मैम, ये कैंगन वाटर है। अभी जैसे आपने एक अल्कलाइन पानी की बात की, तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अल्कलाइन पानी के क्या फ़ायदे लोगों को दिखते हैं, ये मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ। इसलिए नहीं समझ पाया हूँ कि अल्कलाइन के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह कुछ है नहीं। जिस पानी की हम बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन रिच वाटर है, और अगर कैंगन वाटर की हमने आपके सामने बात की तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे शानदार रिव्यूज़ कैंगन वाटर को लेकर आपको मिलेंगे। बहुत सारे यूज़र बहुत कुछ इस पानी के बारे में कह रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट लोगों को इस पानी से हुए हैं, और ऐसे ऐसे रिव्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगे कि शायद आप बिलीव भी नहीं कर पाएं कि पानी से इतना कुछ बदल सकता है। बट कैंगन वाटर में बहुत कुछ बदलने की क्षमता है, और केवल इस वजह से क्योंकि ये आयोनाइज वाटर है, और आयोनाइज वाटर का मतलब हाइड्रोजन रिच वाटर है। तो किस तरह से हाइड्रोजन रिच है एक बार हम आपको दिखाएंगे। तो आप ये देखिएगा, ये कैंगन वाटर हम साथ में लेकर आए, उसकी बॉटल है, तो आप देखिएगा एक बार ये। ये कैंगन वाटर है एंड ये बॉटल वाटर है। और ये नॉर्मली RO वाटर। अब आप इस तरह से देखिए, इन तीनों पानी के अंदर कोई फर्क आप देख पा रहे हैं? अभी तो कुछ नजर नहीं। कोई फर्क नहीं है, ये देख पा रहे हैं? कोई फर्क नहीं है।
ये ORP मीटर है जो पानी की हाइड्रोजन को टेस्ट करता है और ये बताता है कि पानी एंटीऑक्सीडेंट है या पानी ऑक्सीडाइज है। सो किस तरह से रीड करता है, आप इस मीटर को पानी के अंदर डालिए, अगर इस मीटर के अंदर रीडिंग नेगेटिव साइड जाए तो इसका मतलब पानी हाइड्रोजन रिच है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसके अंदर है, और अगर पॉजिटिव साइड जाए तो इसका मतलब पानी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है। तो एक बार आप देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको कैंगन वाटर में डालता हूँ, आप देख पा रहे हैं रीडिंग नेगेटिव है पॉजिटिव है। सेम इसको मैंने बॉटल वाटर में डाला, जिसको कि बड़ा हम पीना पसंद करते हैं, बॉटल बंद पानी। तो इसको भोपाल जी एक बार देखिए, बताइए जरा रीडिंग क्या चल रहा है। 20 के आसपास है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में। ऐसे ही इसको मैंने आरओ वाटर के अंदर डाला, तो एक बार देखिए भोपाल सर, ये भी पॉजिटिव 200 के आसपास। सो पानी तीनों दिखने में आपको एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है और बाकी दो पॉजिटिव है। रीजन है कि एक पानी एंटीऑक्सीडेंट है और एक पानी ऑक्सीडाइज है। इसी तरह से आज के डेट में जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन पानी की, सो अल्कलाइन मार्केट में लोग बहुत तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके हैं लोगों के पास पानी को अल्कलाइन करने के, बट जो बेनिफिट हैं वो आयोनाइज अल्कलाइन के ही हैं। तो जो कैंगन वाटर है ये किसी केमिकल एडिट से अल्कलाइन नहीं हुआ है, ये आयोनाइज अल्कलाइन है। एक बार इसको भी हम टेस्ट करते हैं, इस तरह से अगर आप पानी को देखेंगे तो किसी भी पानी की पीएच वैल्यू आपको ऐसे देखने से पता नहीं लगती है। और पीएच के बारे में आज के डेट में लोग अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि ये आज के डेट में मार्केट के अंदर अवेलेबल है पीएच ड्रॉप। तो ये किस तरह से टेस्ट करता है, इसको हम पानी के अंदर डालते हैं। अब अगर पानी का कलर रेड हो, येलो हो या लाइट ग्रीन है, तो इसका मतलब वो पानी एसिडिक है और उसकी पीएच वैल्यू 6 से नीचे है। बट अगर पानी ब्लू या पर्पल है तो इसका मतलब वो पानी एल्कलीन है, उसकी पीएच वैल्यू 7.5-8 से ऊपर है। और एल्कलीन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। रीज़न क्या है कि हम इस धरती पे आए भी अल्कलीन नेचर में ही है, बट कहीं ना कहीं हमारे खान पान की वजह से आज के डेट में हो क्या रहा है, हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में चलती चली जा रही है। तो एक बार आप ये देखिएगा इस पीएच ड्रॉप से, ये आरओ वाटर, अब आप ये देखिए लाइट ग्रीन, ये बॉटल वाटर सेम लाइट ग्रीन, एंड कैंगन वाटर ब्लू है। सो इसकी पीएच वैल्यू 9.5 है और एल्कलीन हमारे शरीर के लिए अच्छा है, आयोनाइज्ड एल्कलीन। तो ये कैसे समझा जाए कि पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी बॉडी में जब पानी जा रहा है? तो देखिए पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू 7-7.5 भी हमारी बॉडी के लिए ठीक है, बट उस केस में ठीक है जब हमारा डाइट भी एल्कलीन नेचर का हो, ये जो भी खाना हम खा रहे हैं वो एल्कलीन नेचर का हो। बट आज की डेट में हमारा मैक्सिमम खान पान सब एसिडिक है। रीज़न क्या है कि हम पका हुआ फूड ज़्यादा खाते हैं, रॉ फूड पे बहुत लंबे टाइम तक हम रहते नहीं हैं। हालांकि ये सबको पता है कि भाई रॉ फूड हमारे लिए अच्छा है, रॉ वेजिटेबल्स अच्छे हैं, फ्रूट्स अच्छे हैं, बट आप देखिए कितने लोग इस लाइफ स्टाइल को अपना पाते हैं, और अगर अपना भी पाते हैं तो कितने लंबे टाइम तक अपना पाते हैं। सो खाना कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का है, पानी भी आज की डेट में हम प्योरीफायर वाला पी रहे हैं, सो पानी भी हमारा एसिडिक हो चुका है, सो बॉडी न्यूट्रलाइज हो नहीं पाती है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि एटलीस्ट 8.5-9 पीएच का पानी हम अपने शरीर को दें। तो ये अवेयरनेस कैसे लोगों तक पहुंचेगी? आपने कहा कि ये जो एल्कलाइन वाटर है ये आपका पीएच लेवल भी इसमें अच्छा होता है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, तो कैसे अवेयरनेस जाए? क्योंकि आप देखिए अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्ट्रेस, कोई एक्टर पी रहा है, विराट कोहली पी रहे हैं, मलाइका अरोरा पी रही है, हाथ में दिख रहा है ब्लैक वाटर या एल्कलाइन वाटर, तो यहाँ सेलिब्रिटी पीते हैं तो स्किन बहुत अच्छी है, बॉडी बहुत अच्छी है, हेल्दी होंगे, ये हमारे तो कैसे अवेलेबल होगा? ये अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में जा रही है, बट लोगों को अवेयर इस चीज़ से होने की ज़रूरत है कि क्या वो आयोनाइज अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं। अल्कलाइन करने के तो मैंने बताया आपको बहुत सारे तरीके हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जितने भी हेल्थ बेनिफिट आपको दिखेंगे वो आयोनाइज अल्कलाइन के दिखेंगे। अच्छा, बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस की बात की थी आपने, तो बेनिफिट क्या है इसके आपकी बॉडी को लेकर और डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए डिसएडवांटेज की बात करूँ तो अब तक करीबन इस प्रोडक्ट को मैं 850-900 लोगों तक पहुँचा चुका हूँ, तो आज तक कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज मैंने मुझे इस पानी का नहीं दिखा है। इवन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग कैंगन वाटर को आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, सो कोई ऐसा डिसएडवांटेज उसका है नहीं। हेल्थ वाइज बात करूँ तो मैं थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कर दूँ कि कंपनी या मैं इस पानी के बिहाव पे किसी भी बीमारी को ठीक होने का दावा हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर लोगों के रिव्यूज़ आप देखें तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे
कि कैंसर पेशेंट तक बता रहे कि यस इस पानी का हमें बेनिफिट हुआ है। मैंने इस पानी की वजह से लोगों की डायबिटीज़ को कंट्रोल होते देखा है, मैंने माइग्रेन को ठीक होते देखा है, मैंने थायराइड को ठीक होते देखा है, बट ये लोगों के ओन रिव्यूज़ हैं। सो लोग इस पानी के बारे में बता रहे हैं वर्ल्ड वाइड आज के डेट में। तो मतलब अगर जो हमारे घर में आरओ लगे हैं या फिर जो हम मार्केट से बॉटल पैक्ड पानी पी रहे हैं, तो क्या आज से हम बंद कर दें पीना या हम क्या करें? क्योंकि एक तरीका ये भी होता है, डॉक्टर हमें कहते हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, तो ये जो आपका एल्कलाइन वाटर है, क्या इस पे भी कुछ ऐसी वैल्यूज़, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं? देखिए मैं बताता हूँ इस बारे में। एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल पीएच रिक्वायर्ड है, हमारे ऑर्गन जितने भी हैं लगभग 7 पीएच से ऊपर है, और अगर हम उनको मेंटेन करने के लिए जो हमारा खाना और हमारा पानी है उसे 7 पीएच से ऊपर की चीज़ें दे पाएँ तो हेल्दी रहेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। आप अल्कलाइन डाइट लीजिए, आप फ्रूट ज़्यादा लीजिए, आप कच्चा क्या बोले वेजिटेबल लीजिए, सलाद लीजिए, जो चीज़ें हम कच्चा खा सकते हैं वो जितना ज़्यादा खा सकते हैं वो भी अल्कलाइन डाइट है। अल्कलाइन अगर हमारी बॉडी को रखना है तो अल्कलाइन डाइट या अल्कलाइन पानी दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बात आरओ की, और जो आप टैप वाटर की बात कर रहे हैं, तो टैप वाटर हम डायरेक्टली पी नहीं सकते क्योंकि बहुत पॉल्यूटेड है वो। आरओ हमने लगा रखा है, आरओ का काम है पानी को साफ करना, क्लीन करना। बट ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक भी है और बहुत सारे लोगों ने इस पर स्टडी भी की है, बहुत सारी रिसर्च भी आपकी गूगल्स वगैरह पर पड़ी हुई हैं कि आरओ आपके पानी को साफ करता है, बट साथ ही साथ जो मिनरल्स उसके अंदर हैं उसको डीमिनरलाइज कर देता है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरा क्या करता है, वो जो पीएच आप उस आरओ को दे रहे हैं उससे वो उसको एक पीएच या दो पीएच नीचे कर देता है, यानी कि उसको एसिडिक मोड में भी ले जा रहा है। तो आज जो हम जो भी प्रॉब्लम्स आज हम झेल रहे हैं हमारे बॉडी के साथ हो रही है, उसका मेन कारण ये भी है कि हम लगातार कई टाइम से एसिडिक वाटर पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपनी डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, अल्कलाइन डाइट लेनी पड़ेगी। नहीं तो ये अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं लोगों को कि आयनाइज वाटर पीजिए, और आयनाइज वाटर पीने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में मौजूद हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आयनाइज मशीनें बना रही हैं। बट अगर हम बात करें एनर्जिक की, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो ये दुनिया में नंबर वन कंपनी है, टॉप लेवल पर है, और ये मैं नहीं कह रहा है, ये आप YouTube पे Google पे सर्च करके देखिए, दुनिया कह रही है इस बात को। बिल्कुल, तो दर्शक जो हमें देख रहे हैं प्लीज़ जाइए और आप सर्च करिए जैसा कि सर ने बताया, और प्लीज़ अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर ज़रूर होइए। गोपाल रावत जी, एक और बात आपने अभी जिक्र किया कि जो हम आरओ का पानी पी रहे हैं उसमें से मिनरल जो है वो निकल जाते हैं, वो पूरी तरीके से ऐसा पानी नहीं होता जिसका जिक्र लगातार आप कर रहे हैं। तो अभी जो हम एडवर्टिजमेंट देखते हैं टीवी पर चल रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन में हम देख रहे होते हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐड कर रहे होते हैं कि अब जो आरओ है वो इसमें जिंक भी है, इसमें मिनरल भी है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है मैम, जो मार्केट में चीज़ें बिक रही है, हर चीज़ बिकती है मार्केट में, हर चीज़। अगर हम ये बात करें कि डर से आगे जीत है, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी बिक रही हैं, आपको क्या लगता है वो अच्छी चीज़ है? सबको मालूम है कि वो हेल्दी ड्रिंक नहीं है, बट बिक रहा है, कंपनियां बना रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हम बात करें फास्ट फूड जितना भी है, जंक फूड जितना भी है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, पर मार्केट में तो बिक रहा है, उसकी भी ऐड बहुत हो रही है। ये हमें देखना है कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। अच्छा, और ये मतलब हर कोई, कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा हो, किसी भी बॉडी के लिए ये पानी सूटेबल है? यस बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये मशीन पानी के अंदर कुछ ऐड नहीं करती, जैसे कि जीत चौहान जी ने अभी बताया था, पानी के अंदर कुछ ऐड किया जाए तो हो सकता है वो चीज़ हार्मफुल हो आपके लिए या साइड इफेक्ट हो। ये जो पानी आप उसे दे रहे हैं उसी पानी को इस तरह से मशीन बनाई गई कि ये उसी पानी को, एक तो जो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उन्हें एक्टिव करता है, चार्ज कर लेता है, बहुत एक बहुत बड़ा साइंस है, कभी बहुत बड़ा टॉपिक भी है ये। तो एक जो उसके अंदर मिनरल्स उन्हें चार्ज कर लेता है, दूसरा उसी पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, एक तरफ अल्कलाइन जो उसके अंदर मिनरल्स अल्कलाइन वाले अलग दे देता है आपको, और एक तरफ एसिडिक दे देता है। तो ये उसी पानी को दो जगह डिवाइड कर रहा है, इसको उसके अंदर डाल कुछ नहीं रहा है, तो इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, जो पानी आप पी रहे हैं उसमें से बेहतर निकाल के आपको दे रहे हैं। मतलब जो पानी हमें नेचर से मिल रहा है, जैसे अगर नदियों से कोई झरने से पानी आ रहा है तो सेम वैसा ही है, बिल्कुल एकदम नेचुरल, एकदम हिमालयन वाटर टाइप्स। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो गौमुख से पानी निकला है, गंगा जी जहाँ से निकली है हमारी पवित्र गंगा, जो पानी वहाँ का है, तो बहुत सारी चीज़ें उस पानी में और कैंगन वाटर में
एक जैसी हैं, ये साइंटिफिक है। और ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सब चीजें आपके ऑनलाइन मिल जाती है, हमारी कंपनी नहीं बनाती इन टेस्ट, मतलब ये हम लाकर घर में भी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। एक और चीज मुझे पूछनी है जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल में पानी बिकता है आजकल, तो खैर टेट्रा पैक में भी आ गया है और कांच की बॉटल्स में भी आ रहा है, लेकिन मोस्टली अभी भी हम प्लास्टिक की बॉटल से ही पानी पी रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? और क्या अल्कलाइन वाटर आपको प्लास्टिक की बॉटल में अवेलेबल होगा? देखिए, पानी की अगर बात करें प्लास्टिक की बॉटल में रखने की, तो सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए ठीक नहीं है, कांच में ही पानी को रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और काजल जी, मैं दोबारा से इस बात को फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि अल्कलाइन पानी, मैंने आपको बताया कि कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट उसके शायद हमें दिखेंगे नहीं, आयोनाइज अल्कलाइन के हमें दिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वजह से कैंगन वाटर के बेनिफिट हैं। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो बहुत लंबे टाइम तक हम पानी को अगर स्टोर करके रखेंगे तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसी वजह से कैंगन पानी मार्केट के अंदर कोई बॉटल बंद पानी नहीं मिलता है, ये मशीन के जरिए ही हमें मिलता है। और हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम इस पानी को लाइव वाटर पिया जाए। और हाइड्रोजन रिच होने की वजह से ये सुपर हाइड्रेट भी है। तो एक छोटा सा डेमो दोबारा से एक टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा, इसकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो एक बार आप देखिएगा अगेन। नॉर्मली आप देखिए, हम मैं अगर बात करूं कि ये सुपर हाइड्रेट है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर हर सेल्स के अंदर पहुंचने की क्षमता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ही है। वो बहुत जल्दी हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, हमारे सेल्स में चला जाता है, सेल्स को एनर्जाइज करता है, डेड सेल्स को शरीर से बाहर भी करता है। लेकिन किसी भी पानी को अगर अगेन आप और मैं देखें तो हमें पता ये नहीं लगता है कि भाई वो हाइड्रेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार इसकी टेस्टिंग हम दोबारा देखेंगे। तो ये देखिए, बेसिकली ग्रीन टी है, आप देख रहे होंगे। और नॉर्मली हम घरों में ग्रीन टी बनाते हैं, तो आप किस तरह से बनाते हैं कि पानी बॉयल किया हमने, उसमें डिप कर दिया, लीफ डाल दी। अब अगर कभी हम ठंडे पानी में ग्रीन टी बनाने की बात करें तो शायद सब बोले बोलेंगे नहीं नहीं बनेगी जी। तो एक बार आप देखिएगा, ये ग्रीन टी की लीफ है, अब आप ही देखिए, एक में हमने बॉटल बंद पानी डाला, एक में नॉर्मली आरओ वाटर हम डाल रहे हैं, और एक में हमने डाला है कैंगन वाटर। अब एक बार आप देखिए, और कैंगन वाटर में देखिए, सो हाइड्रोजन रिच होने की वजह से सुपर हाइड्रेटेड, बहुत जल्दी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, हर सेल्स तक पहुंच जाता है। और इन्हीं तीन प्रॉपर्टी की वजह से इस पानी को मिरेकल वाटर भी पूरे वर्ल्ड वाइड में बोला जाता है। अगर आप गूगल पे मिरेकल वाटर टाइप करें तो कैंगन वाटर निकल के आता है। सो अल्टीमेट हेल्थ बेनिफिट इस पानी के। तो जैसा कि आपने इस पानी के बारे में जाना है कि आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सर मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या उसके लिए भी आप लोगों की कंपनीज कुछ ऐसा कर रही है, और फ्री डेमो के लिए कैसे आप मशीन लगवा सकते हैं, सारी चीज़ें? काजल जी, सोशल सर्विस की जहाँ तक बात करें तो हमने 8 कैंगन सेंटर भी बनाए हुए हैं, और एक 9वां कैंगन सेंटर भी जल्दी हमारा नोएडा के अंदर ही ओपन होने वाला है। तो यहाँ से हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देते हैं। इस पानी वो अगर कोई भी हमारे सेंटर से ले जाना चाहे तो हम उसका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, 15-20 दिन महीने भर इसको पी के देख सकते हैं, और एक महीने में ये पानी बता देता है कि यस ये क्या बदलने की क्षमता रखता है। और अगर जहाँ तक बात करें अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस के लिए हम लोगों को फ्री में डेमो देते हैं, लोगों के पानी घर के पानी को अच्छी तरह से चेक करके उन्हें बताते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी है इस पानी में और क्या आपके पानी में नहीं है, उसके बारे में जानकारी हम डेमो के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं, और उसका कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री है। तो उसके लिए लोग संपर्क कर सकते हैं, आप नंबर हमारा दे सकते हैं उसे।
बिल्कुल, और जैसा कि आपने सुना कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो मशीन लगवा ही सकते हैं, और कांटेक्ट करने के लिए आप एलरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नीचे नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप कॉल करके फ्री डेमो ले सकते हैं, मशीन भी लगवा सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ लोग काम करते हैं, हाउस हेल्पर्स रहते हैं, तो उनको आप पीने के लिए जितनी देर वो आपके साथ हैं आप दे सकते हैं, ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो और कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस भी बढ़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गोपाल रावत जी, जी चौहान जी, इस खास प्रोग्राम में अपनी बातें शेयर करने के लिए और हमें समझाने के लिए कि पानी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सही पानी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपने घर में मशीन लगवा सकते हैं और उससे सोशल सर्विस भी कर सकते हैं और अपने साथ साथ लोगों की सेहत को भी ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और आप गूगल पर जाकर या यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि आप पानी कौन सा इस्तेमाल करें, कैसे करें और कितने सही तरीके से करें। धन्यवाद। धन्यवाद।